What's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. तो यहाँ पर हम जो आज गाइड लेक्चर्स लेने वाले हैं वो है BLED फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि आपका कोर मैथमेटिक्स सबके लिए कंपलसरी सेक्शन है. एज यू ऑल पीपल नो, यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देख लेंगे. सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगा दूंगी, तो वहाँ से आप तीनों ही लेक्चर्स देख सकते हैं. यहाँ पर आज हम कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन. ये हमारे लेक्चर में रहेगा आज, और ये आपके सिलेबस में भी है. ये जो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं हमारे सिलेबस में, बट हमें अलग नहीं पढ़नी है बिकॉज वो लेवल बहुत ही इजी है. अलग से डेसिमल और अलग से फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम वही सारी चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, टारगेटेड है. ठीक है, तो आज हम समझते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है, और इसके रिगार्डिंग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. हम बिल्कुल यहाँ पर कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने वाले जो कि सिर्फ टाइम वेस्ट करा है, या बहुत इजी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने हैं. जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है हम यहाँ पर वही करने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस को लेकर, कि यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन क्या है. आपको पता है फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ है कैसे हम फ्रैक्शन लिखते हैं. आपको पता है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी चीज़ है ऐसे हम लिखते हैं, 1/2, 2/3. तो जब भी ये अपॉन ऐसे लिखते हैं तो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें दो पार्ट आते हैं, जिसमें ऊपर वाला पार्ट हमारा होता है न्यूमरेटर. ये बहुत ही बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर. तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी कि तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. अब ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन. अब डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, जब भी हम डेसिमल फ्रैक्शन बनाते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वहां पर डिनोमिनेटर में हमेशा जो डिजिट्स होती हैं इन पावर ऑफ 10 होती हैं. कैसे, जैसे ऊपर लिखा हमारा 2 और नीचे लिखा है हमारा 100, तो ये क्या है, यहाँ पर 0, 0 है. जब नीचे 0 है तभी ऊपर हमारा डेसिमल बन पाएगा. तो कैसे बनेगा, आपको पता है यहाँ पर 2 0 है तो ये 2 पॉइंट पर शिफ्ट हो जाते हैं. यहाँ पर 1 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.02, या इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 0.02, लेकिन यहाँ पर आप 0 जरूर लगाएं क्योंकि इससे कन्फ्यूजन नहीं होता है. नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो ये बहुत ही बेसिक से इसलिए हम समझ रहे हैं, ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला. कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम अभी देखेंगे. ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं. नेक्स्ट इज अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 21 और यहाँ पे लिखते हैं 10. आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही 10 है पावर की, तो यहाँ पर क्या एक के बाद शिफ्ट हो जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज 2.1. आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा. दिस वाज अ कॉन्सेप्ट अबाउट डेसिमल फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वालों को ही कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी इजी. नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत ही जल्दी अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और उसको आपको नोट करते जाना है. जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ यहाँ पर, ये सारे ही प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एंड इसमें आप कुछ को प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो हम नहीं करेंगे. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन करना है, और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए और फटाफट से इसको सॉल्व करना चालू करिए. आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू. इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं गाइस, आपको बुक्स में प्लस माइनस के भी मिल जाएंगे, ऐसे 0.2 और 0.3 करके, या आपको ऐड, ये ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आने वाले, तो जो आने हैं उस पर ही फोकस करते हैं. चलिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका आपको फटाक से सॉल्व करना है. कैसे करेंगे, ये पॉइंट जो होते हैं यहाँ पर आपको इग्नोर करने हैं. अभी सिर्फ यहाँ पर आपको किस पर फोकस करना है, ये जो डिजिट्स हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई पर हम फोकस करते हैं. अगर आपको सीधे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, 5 5 ज़ 25 × 5 5 ज़ 25. अब आपको ये पता होना चाहिए 25 का स्क्वायर क्या है, तो ये हो गया 625. इतना आ गया. अब यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल्स हैं उनके साथ आपको क्या करना है, खेलना है. ठीक है, अब कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल आपको कहाँ है, 3 डिजिट्स के पहले, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने हैं, 2. तो ऐसे लिख लो आप, ये 2, ये 3 और ये 1, टोटल कितने मिला के हो गए, 6. तो मतलब यहाँ पर 6 डिजिट के पहले आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा, पर यहाँ तो है 3 ही डिजिट, तो हम कैसे कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 1, 2 एंड 3. कितने के पहले होना चाहिए, 6, तो 1, 2, 3, ये 3 ये, और यहाँ पर लगेगा अपना पॉइंट और ये हो गया 0. तो ये हो गया इसका आंसर. अगर आप जरा भी पॉइंट वगैरह में कुछ गलती करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत. चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसको भी करेंगे. सारे ही क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे बीएलएड वाले जो हमारे एग्जाम्स आते हैं उसमें, मैथमेटिक्स में
तो इसको आपको कैसे करना है, आपको गिवन रहेगा ऐसी दो वैल्यूज रहेंगी। अभी इसमें और बड़े बड़े सम्स भी करेंगे हम, इसको नॉर्मली पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। 172 × 38 कितना दे रखा है, 6536, ठीक है, ये आपको उसकी वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, ये कुछ डेसिमल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इसको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना है यहाँ पर, कि आपने देखिए यहाँ पर पॉइंट लगे हैं ना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने लग गए। तो ये किस लिए दिया है यहाँ पर, आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये वैल्यू सेम यहाँ लिखी है, बस इसमें क्या है कि डेसिमल्स लगे हैं। अब उसका आपको कैसे करना है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो क्या, 6536, ठीक है, आएगा तो अपना यही, क्योंकि वैल्यूज वही है। अब क्या करना है, सिर्फ हमको डेसिमल्स के साथ फिर से वही खेलना है, एंड यहाँ पर हमको क्या कर देना है, डेसिमल प्लेस कर देना बस। तो यहाँ पर आपको पता है 2 के पहले है और यहाँ पर पता है 3 के पहले, तो टोटल कितना हो गया, 5। तो 5 डिजिट के पहले आपका डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पर 4 डिजिट है, एक और बढ़ाने के लिए हम लगा देंगे 0, और यहाँ पर आ गया पॉइंट अपना, और यहाँ पर एक और 0, तो पॉइंट के बाद हम ऐसे 0 लगा सकते हैं, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी था। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरह से टैकल करने हैं ये, और सारे क्वेश्चन है गाइज, ये 3 क्वेश्चन हमें तीनों को करना है जल्दी से, जितनी सारी प्रैक्टिस हम कर पाए अपने क्वेश्चन की उतना बेहतर रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप फटाफट से इसको कॉपी में नोट करिए, सॉल्व करना चालू करिए। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि ऐसे लिखा है डिवाइड एक्स लिखा है, तो ये आपको पता है बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, और इनको हम करते हैं डिवाइड में लिखा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 0.001 अपॉन एक्स, अपॉन में क्यों लिखा, बिकॉज ये डिवाइड में था, इतना आपको आना चाहिए, ये हो गया 0.1। यहाँ पर हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसको इक्वल टू इस साइड होना चाहिए और उसको नीचे आना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 अपॉन 0.1, एंड दिस इज x। तो यहाँ पर हमें निकालनी है अब x की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको डेसिमल्स पता है कि डेसिमल्स कैसे हटते हैं, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर हमें नीचे से डेसिमल हटाना है तो हमको ऊपर से भी डेसिमल हटाना पड़ेगा, तो अब ये यहाँ से हटा, ऊपर से हटा, तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हमारा आ जाएगा, 0.01 आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ये गाइस बहुत इजी था, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं उतना ही बेहतर। तो ये हो जाएगा x अपॉन 0.25 = 1, ये है x की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ पर आ गया 0.25 × 1। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है कि ये जो 0 है आप इसको हटा सकते हैं, नीचे आएगा कितना, 2 0, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 × 25, अब 0 नहीं आएगा, हमने जब पॉइंट हटा दिया, यहाँ से हटाए कितने डिजिट थी, 2, तो यहाँ पर आएंगे 2 0 नीचे, × 40, आपको पता है 20/4 का कितना होता है 100, और यहाँ से ये कटा, इसकी वैल्यू आ गई 10। तो ये हमारा आंसर है, आपको आपका भी आंसर यही आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं, इसको जो डिवाइड का साइन है सीधे सीधे आप इसको ऐसे लिख दिए, 4.2 upon x = 7, ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, एंड अब हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहुंच गया ऊपर और ये आ गया ना। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करें, ये पॉइंट अपने को हटाना होगा क्योंकि हमें डेसिमल्स को यहाँ पर सॉल्व आउट करना है, तो एक आ जाएगा नीचे। अब आपको पता है कि कितने टाइम्स जाता है, 6, और ये नीचे आ गया। अब क्या करना है, 7 × 6 = 42 हमने यहाँ पर काटा, तो 6/1000 आ गया। अब इसको आप और कट मत कर दीजिएगा कि आप 2 की टेबल से यहाँ पे 3 लिख दें और 500 लिख दें, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये डेसिमल आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जहाँ आप सिंपली यहाँ पर देखें, नीचे हमें ऐसी डिनोमिनेटर हमको ऐसा मिल गया है जहाँ पर हमें पावर ऑफ 10 मिल गई, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब 3 के बाद क्या करना है, हमको 3 के पहले डिजिट लगा देनी है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको अकेला 6 है, 1 और ये 2, ये 3 डिजिट हो गए, और यहाँ पर ये आ गया इसका। आई होप गाइस आपको ये तीनों ही क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज, अगर आपको ये नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको ये पता है, ये 6, 7, 8 में हमने पढ़ी हुई होती है, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट से देख लेता मैंने, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटू का साइन है और ये 2 चीजें लिखी हुई, जब भी बेस सेम होता है और उनपे कुछ पावर दी होती है, और अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 3 × 2 की पावर 2, बेस क्या हमारा सेम है, तो ऊपर पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये इसका वैल्यू है।
नेक्स्ट यहाँ पर अगर वो डिवाइड में है और बेस सेम है तो क्या होती है, पावर्स माइनस हो जाती हैं। अगर ये इनटू में लगी हुई है ऐसे तो ये इसके साथ इनटू नहीं होता, ये जो जो पावर्स हैं आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पी की पावर एम इनटू एन हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 2 और पावर में ही लिखा है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। नेक्स्ट यहाँ पर अगर अपॉन में कुछ लिखा हो 1/p की पावर a लिखी है, तो अगर इसको हमको ऊपर ले जाना है तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसी पर हम कुछ क्वेश्चन अब करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे बट बेसिक्स है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो ये आपको आनी चाहिए। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके इन प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो गाइज ये है कुछ और भी क्वेश्चंस, तो इनको हम देखते हैं, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी उन पर ही बेस्ड है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 की पावर 0.28 दिख रही है और 4 की पावर 0.08 दिख रही है। अब यहाँ पर बेस तो हमारे सेम है नहीं, तो अब बेस कैसे सेम बनाएंगे, आपको पता है 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं नहीं, और यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इतना तो हमने 8 को ट्रांसफॉर्म कर दिया इस तरह से। अब इसकी कुछ और पावर भी लगी हुई है जो कि क्या है 0.28, और इसकी क्या लगी है 0.08। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम होगा तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और उसके भी पहले ये क्या है मल्टीप्लाई में लगी हुई है, तो पहले हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 6 24 3 2 6 7 8 और 0.02 ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ये हो जाएगा 0.16। तो इस तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब क्या हो गया, बेस हमारे सेम हो गए, पावर्स भी हमारी मल्टीप्लाई हो गई हैं, अब इसको हमें कर देना है ऐड, तो 0.84 प्लस 0.16, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पूरा, जब आप इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ये बहुत ही ईजी है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, तो ये भी बहुत ईजी है, इसको भी आप फटाक से बताइए। ये क्या है, यहाँ पर आपको ये डिवाइड में ले जाना है, ठीक है, तो आपको स्टेप्स वहाँ पर करके दिखाने पड़ेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम अपने पीएलएड की एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पर हमको स्टेप्स शो करने पड़ेंगे, और इसके आपको मिलते हैं क्या मार्क्स। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो गाइस हम यहाँ पर पावर 1 लगा सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे बेस सेम होते हैं और ये नीचे है अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो 225 जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा 2.5 माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा 225 की पावर 1। अब यहाँ पर एक चीज और सुन लीजिए, जब भी इक्वल टू में होते हैं और हमारा जो बेस है वो सेम होता है, तो जो पावर्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाती है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी एक तरह से कट गई, ऐसे आपको काटना नहीं है, यहाँ पर हम बेस को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो जब बेस को कंपेयर करते तो पावर्स क्या हो गई हमारी नीचे उतर के आ जाती है, तो ये हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो ये हमारी आ गई 1.5। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये क्लियर होगा, तो यहाँ पर आपके एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.5। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो बेस क्वेश्चन क्यों करा है, सो दैट आप ये वाले क्वेश्चन सारे टैकल कर पाए। इसको देखते हैं, इसमें भी यही वाला सारा जो हमने अभी सीखा है, यहाँ पर 125 है, 256 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व हमको कैसे करना है, जब हमारा बेस यहाँ पर हम सेम करते हैं, आपको पता है 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो इसको हम लिखना चालू करते हैं, ये तो हमारा अब सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, एज यू ऑल नो 5 है, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने इसको यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 3, और ये है अपना 0.25। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं 256, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, 256 क्या है 16 का स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 16 into 16, और इसको कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर into 4 का स्क्वायर, तो आप इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर 4, तो ये हो गया आपका 4 की पावर 4। इसको अपन और भी तोड़ सकते हैं 2 की पावर में, ठीक है, तो इतना हो गया अपना। नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट अपना जो है उसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी प्लीज उसको फटाफट से कॉपी पे करें। तो ये हमारा कितना हो गया 0.25 into, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, तो 25 3 75, तो ये हो जाएगा 0.75। गाइज यहाँ पर आपको पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, अगर आप डेसिमल यहाँ पर इग्नोर करते हैं तो आपका सारे ही आंसर यहाँ पर गलत हो जाने हैं।
तो ये हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 0.40 इंटू, यहाँ पर हम इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.60। अब यहाँ पर बहुत इजी हो गया हमारे लिए, बेस हमारे सेम हो गया, तो पावर्स हमको ऐड यहाँ पर कर देनी। यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 175.25 हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पर 4 की पावर ये क्या हो गया 60 और 40 हो गया 100 आपका, तो ये हो जाएगा 1। और 100 होगा तो 2 के पहले आपके डेसिमल्स आने हैं, तो क्या बचना है आपका 1 बचना है। आप इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 की पावर 2 भी लिखेंगे तो भी 4 ही लिखना पड़ेगा आपको, तो आपका आंसर ओवरऑल क्या आ गया 5/4, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप डायरेक्टली जंप करना चाहेंगे कि आप डायरेक्टली चीज़ों को कर दें तो ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करें, बिकॉज बीएलएड का हम एग्जाम दे रहे हैं अगर, तो हमको क्या करना है वहाँ पर स्टेप्स शो करने पड़ेंगे, उसके ही हमको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और आप अगर स्टेप्स करते हैं तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये जल्दी से गलत हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप करें जिससे कि आपको सारी आंसर मिले। एंड यस, ट्राई करें कि आप वहाँ पर जो शीट है अपनी, वहाँ पर जो आप कहते हैं गुचड़ पुचड़, वो नहीं करनी है अपने को, ठीक है। बिल्कुल क्लीनली दिखना है हमको और नीट एंड क्लीन बिल्कुल शो करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो गाइज ये है हमारे होमवर्क के क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर्स आपको जरूर से जरूर बताने हैं। प्लीज गाइस जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर दे रही हूँ उनको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं और दोनों के कमेंट सेक्शन में आपको आंसर भी मुझे देने हैं। ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्यों? क्योंकि हम सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं अपने पार्ट 2 में, तो उसमें जुड़ना ना भूलें। और नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि जिसको भी बीएलएड की बुक्स चाहिए, जो कि आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे हम अवेल करें बुक्स, तो आपको करना क्या, हमारा व्हाट्सएप नंबर है विच इज आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर 7055248478, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना अपनी सारे ही रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपको चाहिए, जो भी बुक्स चाहिए, हम वहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास है कि नहीं, और बाकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम्स में आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज एंड बाय बाय।